हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे IRCTC अकाउंट में ट्रेन टिकट बुक करने के बाद बोर्डिंग पॉइंट किस तरह से चेंज किया जाता है। दोस्तों, और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जिस भी ट्रेन से आपने टिकट बुक किया है उस ट्रेन का अगर चार्ट प्रिपेयर हो गया है दोस्तों, तो बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें दोस्तों। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, अभी इस वीडियो को दोस्तों बगैर स्क्रिप्ट किए हुए अच्छी तरीके से देखें दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, मैं IRCTC का जो जेन्यून एप्लीकेशन है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ मार्कर के बता दे रहा हूँ, IRCTC रेल कनेक्ट या एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको लॉगिन का एक ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों। लॉगिन में क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंटर 4 डिजिट लॉगिन पिन आपको पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर इंटर कर लीजिए दोस्तों, जो भी आपका जो 4 डिजिट का पिन होगा दोस्तों, जैसे कि मैं इंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आपको कैप्चा दिया हुआ है दोस्तों, कैप्चा इंटर कर लीजिए दोस्तों। अगर कैप्चा आपके पास अगर समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, रिफ्रेश आप करके आप दोबारा आप कैप्चा ले सकते हैं दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कैप्चा इंटर कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, कैप्चा इंटर कर लिया हूँ दोस्तों। देखिए राइट साइड के नीचे की तरफ देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको मार्क करके बता दे रहा हूँ, ये लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ माई ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, तीसरे नंबर पे लेफ्ट साइड से, राइट से दूसरे नंबर पे दोस्तों, उस पर आप क्लिक कर लीजिए दोस्तों। जैसे कि मैं क्लिक कर लिया हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए माई बुकिंग का ऑप्शन, जितने जैसे कि आप जो भी टिकट बुक करे हैं उसका जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों। जैसे माई बुकिंग में मैं क्लिक कर ले रहा हूँ दोस्तों, मैं देखिए जिस टिकट का आपको बोर्डिंग चेंज करना है उसी टिकट पर आप क्लिक करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं मुझे इसी ट्रेन का मुझे बोर्डिंग चेंज करना है, बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना है, तो मैं इसी पे क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, ये जो मेरा टिकट है, ये जो मेरा टिकट है देखिए दोस्तों, सिकंदराबाद से लेके नांदेड़ तक का टिकट बनाया हुआ है दोस्तों। आपका जो भी टिकट होगा तो आप वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपका जो भी टिकट होगा, जैसे कि मेरा जो टिकट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो टिकट है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए मुझे है ना बोर्डिंग चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, बोर्डिंग चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए राइट साइड के ऊपर के कॉर्नर पे 3 डॉट दिखा होगा, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों। जैसे मैं क्लिक कर लिया दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा नीचे, ऊपर से नीचे 3rd नंबर पे चेंज बोर्डिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं दोस्तों, नहीं तो फिर यहाँ पे यस का ऑप्शन दिख रहा है, यस पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये सिकंदराबाद से चलकर दोस्तों धर्माबाद तक ये ट्रेन जाने वाली है दोस्तों। ठीक है, और मेरा जो टिकट है जो दोस्तों सिकंदराबाद से लेके नांदेड़ तक का ये टिकट जो किया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी मुझे जो है सो ये इसका जो बोर्डिंग पॉइंट जो है मुझे मिट्चल रखना है दोस्तों। देखिए देखिए नीचे ऊपर से 4 नंबर पे आपको मिट्चल दिख रहा है दोस्तों, मैं मिट्चल की तरफ मैं क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं मिट्चल की तरफ क्लिक कर लिया, क्लिक करने में नीचे में देखिए देखो दोस्तों, अपडेट बोर्डिंग पॉइंट का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार कंफर्मेशन आपको पूछ रहा है, क्या आप सच में बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना चाहते हैं क्या? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें जी हाँ करना चाहता हूँ बोल के यहाँ पे कोई कंफर्म ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, राइट साइड पे देखिए, वहाँ पे आप कंफर्म प्रेस कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका जो ओल्ड बोर्डिंग पॉइंट था सिकंदराबाद, वो यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों, और जो नया आप अभी बोर्डिंग पॉइंट लगाए हैं मिट्चल, देखिए दोस्तों वो भी यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ओके कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आप अभी का बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने का ऑप्शन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मेरे मेल पर भी अभी एक बोर्डिंग पॉइंट चेंज किया बोल के यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी आ गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों फिर से एक बार मैं इसको ओपन करके बता देता हूँ, मेरा बोर्डिंग पॉइंट चेंज हुआ या नहीं हुआ मेरे टिकट को दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिख रहा, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा जहाँ पे यानी कि टाइम लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, उसके नीचे में मिट्चल जो मैंने बोर्डिंग पॉइंट चेंज किया था, बोर्डिंग पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है, उससे पहले मैं मेरा जो बोर्डिंग पॉइंट था वो सिकंदराबाद शो कर रहा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही हमारा प्रोसेस था दोस्तों बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने का IRCTC में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा वीडियो खत्म नहीं हुआ दोस्तों, आगे हमारे इस वीडियो में बने रहे दोस्तों। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, IRCTC अकाउंट में ट्रेन टिकट बुक करने के बाद बोर्डिंग पॉइंट किस तरह चेंज किया जाता है आपको मैं अच्छी तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो दोस्तों प्लीज कमेंट में बताएं, और इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो वो भी कमेंट में बताएं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब के राइट साइड में बेल आइकॉन होगा दोस्तों, बेल आइकॉन को प्रेस करें क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों थैंक यू फॉर सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों।